गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। मैं बच्चों मयंक सर, आज आप लोगों के लिए जो अपन ने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम वाले पेपर सॉल्यूशन की बच्चों एक कड़ी सीक्वेंस चला रखी है, सीरीज चला रखी है, उसी सीक्वेंस में आज बच्चों अपन AIPMT 2015 वाला पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा मैं पहले भी बच्चों आपको बता रहा था कि जो 2015 है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, इसका पेपर भी दो बार हुआ था। पहले AIPMT हुई थी, फिर AIPMT के बच्चों ऑर्गेनाइज हुआ था। तो सबसे पहले मैं AIPMT 2015 वाला पेपर आज अपन सोल्व करेंगे। अगले नेक्स्ट जो पेपर लाऊंगा फिर वो AIPMT से पहले वाला 2015 का पेपर अपन सोल्व करेंगे। वो अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फेज सेकंड बच्चों अपन मान लेते हैं। तो करें बच्चों स्टार्ट। तो 2015 AIPMT का पेपर ये आपके सामने, AIPMT का 15 का पेपर था बच्चों। उस टाइम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था, देन 16 में अपन ने इसको नीट बोला, हालांकि 2013 में भी नीट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, कि इन ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, बोर्ड पे दिख रहा है। सीधा सा क्वेश्चन कि इन इज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिडंट यूज, तो वो जो मटर के पादप पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे बच्चों, उसमें अपन को बताया कि वो 7 पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे, 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण लिए थे, NCERT में वो एक टेबल में बता रखे ना, कौन सा कैरेक्टर उसने यूज नहीं किया था बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है पोड लेंथ, फली की लंबाई, उसको उसने यूज नहीं किया था। हाँ, स्टेम की लेंथ यूज की थी कि प्लांट टॉल है या तो ड्वार्फ है, लंबा है या बोना। पोड की लेंथ यूज नहीं किया था, पोड की तो उसने शेप को यूज किया था बच्चों, तो पोड लेंथ की जगह एक्चुअल में आना चाहिए पोड की शेप, फली की आकृति कि वो फूली हुई होती है या तो सिकुड़ी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। क्लियर? सीड शेप तो यूज किया था, बीज की आकृति गोल या झुरीदार, राउंड या रिंकल पड़े थे अपन ने, फ्लोवर पोजीशन भी यूज किया था एक्सियल टर्मिनल उसने बच्चों, और सीड कलर ग्रीन और येलो। तो पहला जो पोड की लेंथ है वो वाला उसने यूज नहीं किया था। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA। ये मोल बायो का क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT में मिल जाएगा आपको, कि इसमें से किसे अपन RNA पर लागू नहीं कर सकते हैं या RNA पर जो अप्लाई नहीं होता। वो बच्चों देखना आपको कि 5-फॉस्फोरिल एंड 3-हाइड्रोक्सिल एंड, ये तो होते ही हैं DNA RNA में, फॉस्फोरिल 5 कार्बन पे और थर्ड एंड जो है उस पर हाइड्रोक्सिल OH वाला अटैच्ड होता है। हेटरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस, विषम चक्रीय नाइट्रोजिनस क्षारक। नाइट्रोजिनस बेस बच्चों दो पढ़ते हैं अपन, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, ध्यान आए। प्यूरीन तो होता है एडिनिन और ग्वानिन, पाइरिमिडीन में थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल, आरएनए में अपने को पता है थाइमिन की जगह यूरेसिल, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं, हेटरोसाइक्लिक। चारगाफ रूल, ध्यान आया चारगाफ रूल बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन, प्यूरीन की कुल मात्रा पाइरिमिडीन की कुल मात्रा के बराबर होती है। ये चारगाफ का तुल्यता नियम, इक्विवेलेंसी रूल अपन बोलते हैं, और चारगाफ का जो रूल है बच्चों ये ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, तो चारगाफ का रूल केवल डबल स्टैंडर्ड DNA पर लागू होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA पर लागू नहीं होता। तो इसका आंसर बच्चों क्या जाएगा, थर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, जैसे एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है या यूरेसिल मान लो साइटोसिन के सामने ग्वानिन, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वैसे तो RNA बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं जो फोल्ड वगैरह उसमें होते हैं वहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। या सीधा सा याद रख लो, जो tRNA होता है ट्रांसफर RNA, उसमें बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है। तो ये बाकी तीनों उसके रेफरेंस में सही है, बट चारगाफ का जो नियम है वो उस पर एप्लीकेबल लागू नहीं होता। क्लियर? इसका आंसर थर्ड था। नेक्स्ट बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन थर्ड, सेल बायो का ये क्वेश्चन कई बार इससे कनेक्टेड क्वेश्चन बनता है बच्चों। सीधा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा साइट ऑर्गेनल जिसमें झिल्ली रहित होता है, नेग्ड होता है, नग्न होता है। तो पहला आ रहा है राइबोसोम,
राइबोसोम अपने को पता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसमें झिल्ली रहित उसको कोशिकांगपन बोलते हैं। राइबोसोम वही राइबोसोम बच्चों जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये लो ये राइबोसोम आरआर रहने वाले वही। नेक्स्ट चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये लो टैक्सोनोमी से भी मान सकते हो उसको, बायोमोलिक्यूल से भी कंसीडर कर सकते हैं बच्चों अपन, एनसीईआरटी में ये भी मिलेगा आपको। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्मड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। आर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटन है बच्चों कंकाल है वो अपने को पता है काइटिन से बनता है। आर्थ्रोपोड ले लो चाहे फंजाई, काइटिनस होता है। वही काइटिन जो सेकंड नंबर का मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक नंबर पे सेलुलोज फिर काइटिन आता है बच्चों, ठीक है। और काइटिन एक्चुअल में क्या है, वही अपन बोलते हैं ना NAG पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। देख लो कहाँ है, ये थर्ड सेकंड में दिख रहा है, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन होमोपोलीमर होता है इसका, क्लियर। तो ये अपने आर्थ्रोपोडा का काइटिन NAG एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन से। फिफ्थ क्वेश्चन एनिमल टिश्यू का, सेवंथ चैप्टर ऑफ इलेवंथ NCERT, उसमें बच्चों बताता भी हूँ मैं, टिश्यू वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन भी उस चैप्टर में लगभग फिक्स से पॉइंट होते हैं, वही पेपर एनालिसिस से आप लोगों को पता चलेगा। एक तो इसी पॉइंट से क्वेश्चन बता है टिश्यू वाले चैप्टर में बच्चों, सेल जंक्शन दे रखे हैं आपको, कोशिका संधियां, इससे जनरली ये क्वेश्चन टिश्यू वाले चैप्टर से आ जाता है। सेल जंक्शन तीन आपकी NCERT में दे रखे हैं, एक तो टाइट जंक्शन दे रखा है दृढ़ संधियां, दो सेल की मेम्ब्रेन टाइटली अटैच्ड होती है जो लीकेज को रोकती है, रिसाव को रोकती है। एक बच्चों एडेरिंग जंक्शन दे रखा है आसंजी संधियां डेस्मोसोम, एक दे रखा है गेप जंक्शन अंतराली संधियां, तो गेप का मतलब ही जिससे दो सेल के साइटोप्लाज्म मिक्स हो या जिसके थ्रू आयंस वगैरह का अपन क्या कर सकें, विनिमय एक्सचेंज कर सकें। तो एक गेप जंक्शन की बात कर रहा है, अंतराली संधियों की बात कर रहा है जिसको नेक्सस भी बोलते हैं, फैसिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। पहला ही आंसर आ रहा है कि भी जैसे दो सेल है, ये बच्चों सेल ए मान ली अपन ने, ये मान ली इधर एक सेल बी, ठीक है, ए और बी, इन दोनों सेल के बीच ये जो मेम्ब्रेन पर ये होता है गेप जंक्शन, तो गेप जंक्शन से दोनों साइड में आयंस का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, विनिमय हो सकता है। तो या तो टिश्यू वाले चैप्टर में इस सेल जंक्शन से क्वेश्चन आता है, या बेटा जी सिंपल स्क्वामस और सिंपल क्यूबोइडल जो एपिथीलियम है इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। देख लेना ये स्क्वामस शलकाकार जो डिफ्यूजन में हेल्पफुल होती है, एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल्स में वो स्क्वामस होती है बच्चों, बोमन कैप्सूल में, वो सब एक क्यूबोइडल वाले एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी सीधा सा क्वेश्चन एंटीबॉडी वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिंस डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। माँ के मिल्क में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी, ये आप हेल्थ डिजीज में भी आपको दे रखा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में भी आपको दे रखा है कि जो एंटीबॉडी है मदर का इनिशियल मिल्क बच्चों क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम कहलाता है, नवदुग्ध, और उसमें कौन सी एंटीबॉडी, IgA, वही IgA जिसे अपन सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, स्त्रावी एंटीबॉडी जो मिल्क में, स्वेट में, आंसू, टीयर्स इन सब में प्रेजेंट होती है, बॉडी सिक्रीशन में बच्चों प्रेजेंट होती है। IgM तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, IgG सबसे स्मॉलेस्ट है, IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है बच्चों, और IgD को सरफेस एंटीबॉडी बोलते हैं। तो अपना आंसर यहां मिल्क से पूछा है तो IgA, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन पर आए, ये रिसेप्टर आईज का क्वेश्चन, दो तीन चार साल से आईज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। यहां पूछा इन मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर। फोविया ध्यान आया, हाँ, जब अपन आई बोल वाली स्ट्रक्चर बच्चों देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ना अपन क्या, येलो स्पॉट, ये वाला तो होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये ऊपर येलो स्पॉट मैकुला लूटिया। और बच्चों येलो स्पॉट में कैविटी होती है, गर्त गड्ढा होता है जिसको बोला जाता है फोविया, फोविया सेंट्रलिस। और इंपॉर्टेंट है वैसे फोविया पे ध्यान रखना, फोविया पर केवल क्या मिलेंगे, कौन मिलेंगे, ऑब्लिक कौन सेल्स।
रेटिना में दो होती है ना, रोड और कौन, शंकु और सलाका। तो फोविया पर केवल कौन सेल्स मिलती है, शंकु कोशिका। और यहाँ क्लियर इमेज बनती है बच्चों। तो देख लो, ऑप्टिक नर्व लिव्स द आई। ऑप्टिक नर्व तो ब्लाइंड स्पॉट से बाहर आती है, अंधबिंदु से। ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, गलत, मोर रोड्स गलत। हाई डेंसिटी ऑफ कौन अकर, बट हैज नो रोड। केवल और केवल वहां क्या मिलेंगे, शंकुओं की सघनता होती है, सलाकाएं वहां नहीं होती। और कौन भी पूछा जा सकता है, कौन भी कैसे, तो बच्चों ऑब्लिकली कौन, तिरछी शंकु कोशिकाएं वहां पाई जाती है। फोविया, स्कैविटी ऑफ मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट, पीत बिंदु की कैविटी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन एट, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप। ये लो, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन, वाल्व से कनेक्टेड बच्चों ये क्वेश्चन आया है, कपाट से रिलेटेड। तो डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आ गया ना, गले में डाले रखते हैं डॉक्टर, अपन बनेंगे तब भी। और स्टेथोस्कोप जो हार्ट बीट को मेजर करने के यूज होते हैं ना बच्चों, वही। The hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. तो cardiac cycle में अपने को दो heart beat, lub और dub, ध्यान है। First sound बच्चों कौन सी, lub, एक आती है dub। लब तो कब आती है, क्लोजिंग, हाँ ये ध्यान रख लेना। हार्ट की जो दोनों मेन साउंड है बच्चों, वो साउंड वाल्व के क्लोजिंग पे आती है। साउंड मोस्टली वाल्व के बंद होने पर, कपाटों के बंद होने पर ही प्रोड्यूस होगी, ओपनिंग पर नहीं आती। तो जो लब है, फर्स्ट हार्ट साउंड है, वो तो क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। बाई ट्राइकस्पिड बंद होंगे तब तो लब साउंड आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड। और डब जो है बच्चों, वो सेकंड साउंड है, वो आती है क्लोजिंग ऑफ एसएलवी, सेमी लूनर वाल्व, अर्ध चंद्राकार कपाटों के बंद होने पर सेकंड हार्ट साउंड आती है डब। ध्यान अपने को ना, लब डब, ये हमेशा वाल्व के क्लोज होने पर साउंड आती है। तो फर्स्ट, ये सेकंड की बात कर रहा है कि डब साउंड कब आती है, तो वो SLV के बंद होने पर, वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यू टू गुशिंग इन ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया। यही है कि एट्रिया, ब्लड एट्रिया में जाने से, SLV के क्लोज होने से आता है, इस वाइब्रेशन से ये साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। सेमिलूनर वाल्व क्लोज डाउन, SLV क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इन टू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में जब ब्लड जाएगा तो ये क्या बंद हो जाएंगे, SLV, ताकि ब्लड का बैकफ्लो, प्रति प्रवाह, पुनः प्रवाह ना हो। तो सेकंड आ गया बच्चों, सेमिलूनर के क्लोज होने से। थर्ड, एवी नोड रिसीव सिग्नल, ये नहीं है, एवी वाल्व ओपन अप। एवी, एवी वाल्व कौन से बच्चों, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, आलिंद निलय कपाटी, वही होते हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच कौन सा हुआ, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, उसी को ही बोल दिया जाता है एवी वाल्व। क्लियर। तो साउंड हमेशा वाल्व की क्लोजिंग पर, फर्स्ट साउंड बाई और ट्राइकस्पिड के क्लोज होने पर, और सेकंड साउंड एसएलवी के क्लोज होने पर आती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाइन्थ, बायोटेक का क्वेश्चन, बायोटेक से एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार अपने ने देखा है, पूछा जा रहा है बच्चों। द कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बिकॉज पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, कौन से एंजाइम की डिस्कवरी से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो पाया। तो सीधी सी बात है, वो एंजाइम बच्चों कौन से थे, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित एंजाइम। और जहां से कट लगाता है वो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, हर एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वो साइट स्पेसिफिक होती है। जैसे अपने एनसीईआरटी में इको आर फर्स्ट के लिए बच्चों दे रखी है, जी डबल ए डबल टी सी, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक उसे बोलते हो जिसे अपन दोनों दिशाओं से सेम पढ़ सकें, सेम रीड कर सकें। क्लियर। रेस्ट्रिक्शन, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है बच्चों, ये नाम भी दे रखा ना, आणविक कैंचियां, मॉलिक्यूलर सीजर्स, आणविक कैंचियां। क्लियर। चलो तो सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ पर आए अपन, सेल बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, अनुपस्थित होती है। राइबोसोम तो होते हैं वो 80 की जगह 70s मान लो, मीजोसोम भी होते हैं बच्चों, हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन,
फोल्ड होते हैं ना मेम्ब्रेन के, वो मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है बट न्यूक्लियर एनवेलोप, केंद्र की आवरण नहीं होता। आपने को पता है कि डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक न्यूक्लियस वहां नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियर एनवेलोप भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ये यूकैरियोट की सेल में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। ये लो सेल डिवीजन का ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखा है कई बार, ध्यान लग जाएगा ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेजेस है उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन बहुत बार बच्चों आता है, वही लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाई काइनेसिस, वही क्रॉसिंग ओवर की एजमा सिनेप्सिस से कनेक्टेड क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सिक्वेंस। ये चार सीक्वेंस दे रखी है, इनको करेक्टली इनको अपने को अरेंज करना है। कैसे क्या होता है ध्यान आपको, कि देखो सिनेप्सिस, सिनेप्स होगा, सिनेप्सिस के बाद ही तो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले बच्चों सिनेप्सिस हुआ, बी फिर एक्सचेंज क्रॉस, क्रॉसिंग ओवर हुआ। पैकाइटिन स्टेज में अपने को पता है जाइगोटीन में सिनेप्सिस, देन पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, क्रॉसिंग ओवर के बाद में कियाज्मेटा हटे, सी और फाइनली डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, फिर केंद्रिका अब डिसअपीयर हो गई, अदृश्य हो गई, वही सीक्वेंस है। तो सबसे पहले सिनेप्सिस, बी देन क्रॉसिंग ओवर, फिर कियाज्मेटा का हटना अंत, और फाइनली न्यूक्लियोलस केंद्रिका का गायब होना। तो बी ए सी डी, देखो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ही दिख रहा है बच्चों बी ए सी डी, क्लियर। ये सीक्वेंस है प्रोफेज मियोसिस की, प्रोफेज फर्स्ट की। डीएनए मॉलिक्यूल, फिर से बायोटेक का एक सीधा क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोगों के लिए। डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है बच्चों कि बायोटेक में जो टेक्निक अपन बताते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें जो डिजायर्ड जीन होता है, इच्छित जीन होता है, जिसको अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, इंटरेस्ट वाला जीन, इसको सीधे होस्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहले बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ जोड़ा जाएगा, एक सुइटेबल वेक्टर के साथ, ध्यान आया। और जब डिजायर्ड जीन वेक्टर के साथ जुड़ेगा तभी तो क्या बनेगा, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और देन इस आर डीएनए को ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट में। तो वो जिसके साथ जोड़ा जाएगा वो होता है वेक्टर, कैरियर नहीं। अब ये ध्यान रख लेना बच्चों, वेक्टर को हिंदी में नाम दिया है संवाहक, देख लेना एक छोटी सी माइनर इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर का हिंदी नाम संवाहक। नॉर्मली अपन वाहक वर्ड यूज कर देते ना, तो जो देखो थर्ड ऑप्शन में कैरियर है, कैरियर को हिंदी में क्या बोल रहा है, वाहक। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए फीमेल डिजीज की कैरियर होती है, वहां वेक्टर वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो क्या है, कैरियर। तो हिंदी में वाहक, और वेक्टर के लिए हिंदी वर्ड क्या है, संवाहक। अरे पीबीआर 322 प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया के सारे वेक्टर ही होते हैं ना। चलें आगे, चलो देर किस बात की, फ्यूचर डॉक्टर्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिख रहा है बोर्ड पे, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, देख लो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक बिल्कुल, और विषमपोषी हेटरोट्रोफिक होता है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा में तो मिलेगा ही, मोनेरा प्रोटिस्टा उसमें यूकैरियोटिक सेल्स है बच्चों। सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल ट्रूफेल्स वगैरह जो आती है ये फंजाई बच्चों एडिबल होती है, खाने योग्य होती है, पॉइजनस नहीं होती, सही है ये भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये लो अभी एक क्वेश्चन सोल्व किया था उसी से मिलता जुलता आ गया बच्चों। मोनेरा, मोनेरा क्या, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही एब्सेंट होती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेलवॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही है, प्लांट में होती है सेलवॉल, एनिमेलिया में सेलवॉल एब्सेंट ही रहती है। तो इसमें रॉन्ग बच्चों कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहा है, 14 क्वेश्चन, 14 जिसको अपन इंक्लूड कर सकते हैं कहाँ, ये क्वेश्चन आप टैक्सोनोमी से कनेक्ट कर सकते हो, मेटाजेनेसिस कनेक्ट क्या कर सकते हो, वहीं से है ना मेटाजेनेसिस, कौन से फाइलम में बच्चों, याद करियो, देखिए सेलेंट्रेटा,
स्लेंड्रेटा में दे रखा आपकी एनसीईआरटी में, स्लेंड्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। एक बच्चों यूनिक फीचर है स्लेंड्रेटा का पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं बहुरूपता। वहां दो फॉर्म मिलते हैं, एक तो पॉलिप बोलते हैं, एक फॉर्म को बोलते हैं मेडूसा। ध्यान आया, टू बॉडी फॉर्म मिलती है पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप जो होती है वो मेडूसा में, मेडूसा कन्वर्ट होती है पॉलिप में, तो पॉलिप का मेडूसा और मेडूसा का पॉलिप में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस। और यहां देखो बच्चों पॉलिप और मेडूसा दोनों ही डिप्लोइड होती है, पॉलिप एसेक्सुअली, मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता। तो एक छोटा सा डिफरेंस देखो, प्लांट में अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बच्चों, पीढ़ी एकांतरण में तो दो पीढ़ियां दो जनरेशन आप बात करते हो, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। वहां एक हैप्लोइड होती है, एक डिप्लोइड होती है, ध्यान से सुनना। तो हैप्लोइड डिप्लोइड का जो कन्वर्जन है उसको तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन यहां पॉलिप और मेडूसा दोनों की दोनों क्या होती है बच्चों, डिप्लोइड होती है। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड यूज करते हैं वो मेटाजेनेसिस। तो देख लो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पहला ही आ रहा है, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज। देखो यहां पॉलिप है, ये तो एसेक्सुअल है, और मेडूसा सेक्सुअल स्टेज होती है। और ये कौन से फाइलम का यूनिक फीचर होगा बच्चों, स्लेंड्रेटा का, जिसमें हाइड्रा आता है, जिसमें ओबेलिया आता है। तो मेटाजेनेसिस रिप्रेजेंट करने वाला एक एग्जांपल भी मैं लिखा देता हूं, ओबेलिया इज मेंबर ऑफ स्लेंड्रेटा। क्लियर, चलें आगे। चलो क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में कौन सी इवेंट ओवुलेशन अंडोत्सर्ग से रिलेटेड नहीं है बच्चों, ये पूछा है। ओवुलेशन देखो, ओवुलेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14 डे पर होता है। ओवुलेशन का टाइम LH FSH हार्मोन अपने पीक पर होते हैं, और LH का एक्सेस सिक्रीशन बच्चों क्या कहलाता है, LH शर्ज कहलाता है, LH बहाव अपन बोलते हैं। तो कौन सी घटना नहीं होती वो पूछ रहा आपसे। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फोलाइकल होता है, ग्राफिन फोलाइकल पूरी तरह से विकसित होगा तभी तो ओवुलेशन होगा। ग्राफिन फोलाइकल रप्चर होगा, अंदर से सेकेंडरी ऊसाइट फैलोपियन ट्यूब में जाएगी, जरूरी है फुल्ली डेवलपमेंट ग्राफिन फोलाइकल। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट, तो ओवम नहीं बोलते ना बच्चों, ओवम तो फर्टिलाइजेशन के टाइम बोलते हैं, स्पर्म के कॉन्टेक्ट के टाइम बोलते हैं, उससे पहले वो सेकेंडरी ऊसाइट ही होता है। LH सर्ज भी होगा, LH का सिक्रीशन पीक पर, LH सर्ज उसको बोलते हैं। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन का ही बच्चों फॉर्म होता है, ये डिक्रीज नहीं होता, इसका लेवल भी हाई रहता है। तो एस्ट्रोजन की वजह से ही LH बढ़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक से उसका सिक्रीशन बढ़ता रहेगा। तो डिक्रीज लेवल इन एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन इस कंडीशन में नहीं होता, इसलिए ये वाली इवेंट पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों है। क्लियर, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों। चलो 16 क्वेश्चन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, लोकोमोशन और मूवमेंट वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, उसमें जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, संधियां इसके क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे, जॉइंट से कनेक्टेड क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में तीन टाइप के जॉइंट दे रखे हैं बच्चों, फाइब्रस रेशेदार जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेजिनस जॉइंट उपास्थिमय जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, और एक दे रखे हैं साइनोवियल जॉइंट जिसमें प्रॉपर मूवमेंट होती है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट है बच्चों, हिंज जॉइंट है, शेडल जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, वो सारे। तो तीन टाइप के जॉइंट अपने को बता रखे हैं। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड एलो, ये वुड नॉट है बच्चों, ये मिसप्रिंट, यहाँ वुड नॉट एलो मूवमेंट। कौन सी संधि में गति नहीं होती है, तो इमूवेबल, कार्टिलेजिनस में तो होती है, लिमिटेड। और इसके एग्जांपल भी देखो, कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस, जघन संधान, नाम सुना है क्या, फीमेल के रेफरेंस में मोस्टली, जो आपकी पेल्विक गर्डल है, श्रोणी मेखला, उसमें बोन्स होती है इलियम, इशियम, प्यूबिस, और तीनों प्यूबिक बोन का जो फ्यूजन है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर, और वैसे जो इलियम, इशियम और प्यूबिस है बच्चों, इन तीनों बोन को कंबाइंडली बोलते हैं ओस इनोमिनेट, इनोमिनेट, इनोमिनेट पेल्विक गर्डल की बोन है। इलियम, इशियम, प्यूबिस को कंबाइंडली क्या बोला, इनोमिनेट, एक ही काउंट होती है ना पेल्विक गर्डल में, टोटल टू।
साइनोवियल में मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट फुल्ली। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो साइनोवियल का टाइप है, फाइब्रस जॉइंट ये बच्चों इमूवेबल होता है, फाइब्रस इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो फर्स्ट ही हो गया फाइब्रस। सिन आर्थ्रोसिस भी इसको बोला जाता है, ये नाम भी याद रख सकते हो, सिन आर्थ्रोसिस। सिन का मतलब टाइट जॉइंट ये होते हैं जिनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वो फ्लैट बोन ऑफ स्कल अपने स्कल की चपटी अस्थियों के बीच फाइब्रस जहां कोई मूवमेंट नहीं होती। क्लियर, चले बच्चों आगे चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। ये लो माइक्रोब्स वाला चैप्टर आपका 10th चैप्टर 12th एनसीईआरटी का। हर बार अपन इतने पेपर सोल्व कर लिए, हर पेपर में माइक्रोब्स वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी इस कॉलम बेस्ड मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन हर बार दिख रहा है बच्चों आपको। दो दो पर्टिकुलरली फिक्स आप याद ही रख लेना, और उसमें भी वो ट्राइकोडर्मा तो हर बार आ रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए वाला। क्लियर, तो मैच द कॉलम मिला लो। सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज का काम कहाँ देखो, इसमें प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोजेन, राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, ये थोड़ा सा प्रिंट ये चीज इधर है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ये एथेनॉल इधर है बच्चों, तो यही हो गया ना सैकेरोमाइसीज। ये लोग हिंदी में देख सकते हो अच्छे से, सैकेरोमाइसीज तो एथेनॉल प्रोडक्शन में आ रहा है। मोनस्कस वही फंगस किसमें, स्टेटिन जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ट्राइकोडर्मा आपका आ गया इम्यूनो सप्रेसेंट, प्रतिरक्षी संदमन, और प्रोपियोनी बैक्टीरियम ये वो राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। क्लियर, तो मिला लेना। तो ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम है बच्चों, ये विटामिन B12 प्रोपियोनिक एसिड इसके बनाने में यूज होता है, और ये अपने स्किन में भी इन्फेक्शन करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया स्किन में एक्ने वगैरह इसी से होते हैं। तो मेज द कोल में आप मिला लेना इसको। चलो क्वेश्चन 18 पर आए, हेल्थ डिजीज ब्लड किसी से कनेक्ट कर लो इस क्वेश्चन को। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी देखी जा रही है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस, तो उसकी बॉडी में बच्चों एंटीबॉडी कम है उसका पता कैसे लगाएंगे, किस टेस्ट से क्या चेक करेंगे पता चल जाए एंटीबॉडी कम है। अब एंटीबॉडी के लिए सीधी सी बात है, आपके ब्लड में बच्चों एक प्रोटीन आती है एल्ब्यूमिन ब्लड के प्लाज्मा में, एक अपन लिखते हैं ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन तो क्लोटिंग वाली प्रोटीन है, ब्लड क्लोट। एल्ब्यूमिन वो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, और ग्लोब्यूलिन जो है वही इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाती है। तो इनकी नंबर चेक कर लो, अगर ग्लोब्यूलिन बॉडी में कम है मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम होगा। तो सीरम एल्ब्यूमिन नहीं करते, हीमोसाइट नहीं, सीरम ग्लोब्यूलिन। तो आंसर आ गया थर्ड, इम्यूनोग्लोबुलिन IG, और वही क्या है एंटीबॉडी। क्लियर, फिब्रिनोजन तो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड होती है, सीरम समझ गए ना, सीरम बच्चों हाँ प्लाज्मा ही होता है, ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग वाले फैक्टर नहीं होते, मतलब सीरम में स्कंदन कारक नहीं मिलेंगे, तो सीरम का क्लोट या वो नहीं जमता, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ग्लोब्यूलिन ये रहे, ये एंटीबॉडी से कनेक्टेड होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एक सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट्स इन, क्रोमेटोफोर ये देखो कई जगह बच्चों क्रोमा जो वर्ड होता है ना, क्रोमा हमेशा कलर के लिए पिगमेंट के लिए यूज करते हैं, क्रोमा कलर और पिगमेंट। तो क्रोमेटोफोर एनिमल्स में भी मिलते हैं, एम्फीबिया रेप्टाइल कुछ मछलियों में जो कलर चेंज करते हैं, जैसे कैमेलियन आता ना गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है, तो उसमें आपकी स्किन में तो बच्चों एक ही पिगमेंट मिलता है मेलानिन, और क्रोमेटोफोर का मतलब होता है अलग अलग कलर के पिगमेंट, तो बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने स्किन के कलर को रेगुलर चेंज करते रहते हैं, ऑक्टोपस में भी ऐसा होता है। तो जो कलर चेंजिंग वाली प्रोसेस है वो तो होती है मेटाक्रोसिस, और वो कलर चेंज वाले जो अलग अलग पिगमेंट है दैट्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर एनिमल के रेफरेंस में। और ऐसे क्रोमेटोफोर जो होते हैं ना ये कुछ बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में वहां भी मिलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मॉडिफिकेशन है पिगमेंट होता है, अब जब क्लोरोफिल आ गया तो रोल किस में रहेगा फोटोसिंथेसिस में, तो दोनों के रेफरेंस में है। बीजीए बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मॉडिफाइड होता है ये पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, और वैसे एम्फीबिया रेप्टाइल्स ऑक्टोपस जो मोलस्का है फिशेज में वहां क्रोमेटोफोर कलर चेंजिंग वाले पिगमेंट होते हैं बच्चों।
ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन से आपको पता चल रहा है ये फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में बात कर रहा है। क्लियर, चलें आगे। चलो क्वेश्चन 20 आ गया पेडिग्री का, जेनेटिक्स में पेडिग्री से कनेक्टेड क्वेश्चन, और पेडिग्री एनालिसिस का मैं एक लेक्चर बच्चों अपलोड कर चुका हूं, उसके बेस पे अपन सीधे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है जो डार्क है वो अफेक्टेड है ही है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। तो आपको मैंने वहां एक सीक्वेंस बताई थी उस लेक्चर में, वो देख लेना। सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्मिक चेक करना है, फिर बच्चों वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस चेक करनी है, देन ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव सीक्वेंस में। तो वहां एक ऑटोसोमल में मैं बता रखा है मैंने आपको कि अगर बच्चों दो ही कंडीशन देखो मेन बताई थी, एक तो ये आता इसी से क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मली, इसी पर बच जाएंगे। अगर पेरेंट्स दोनों अनएफेक्टेड है, अप्रभावित है, और अनएफेक्टेड पेरेंट्स के अगर प्रोजेनी अफेक्टेड हो रही है तो 100% ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। बस ये एक उधर कंडीशन और भी लिखाई थी, अगर अनएफेक्टेड के नहीं हो रहा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अब जनरेशन स्किप करता है कि नहीं करता है, ये स्किप जनरेशन वाला फंडा बच्चों हर जगह 100% एप्लीकेबल नहीं होता, तो अपन उस तरीके को अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आए। क्लियर, ऐसा बोल देते हैं कि जनरेशन अगर स्किप कर रही है, बीच में छूट रही है, जब तो रेसेसिव है, स्किप नहीं कर रही है तो डोमिनेंट है, लेकिन बहुत बार उससे हर बार आंसर एग्जैक्ट नहीं आता बच्चों। तो आप ध्यान रख लेना कि अगर अनएफेक्टेड पेरेंट्स के भी अफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है तो 100% ऑटोसोमल रिसेसिव। और अच्छे से समझने के लिए अपने पेडिग्री एनालिसिस वाली जो लेक्चर अपलोड किया उस क्लास को आप देख लेना, वहां डिटेल में अपन इसको समझा दिया है। तो यहां आपको देखते ही पता चल जाएगा, ये लो इस जनरेशन में दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, अनअफेक्टेड पेरेंट की अफेक्टेड प्रोजेनी हो रही है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और ये एनसीईआरटी वाला ही है, एनसीईआरटी में दो डायग्राम दे रखे हैं ना, वो एक तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, जनरली उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन कनेक्ट होकर आता है, ये उसी से कनेक्ट है बच्चों। चलो आगे क्वेश्चन 21, सर्कुलेटरी का मान लो, चाहे इसको टैक्सोनॉमी से कनेक्ट कर लो, एक ही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, किसमें दो पृथक पृथक परिसंचरण पथ होते हैं, तो दो सर्कुलेटरी पाथवे का मीन बच्चों क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन में दो होते हैं, एक तो पल्मोनरी होता है लंग्स से कनेक्टेड, एक सिस्टेमिक होता है अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड। तो डबल सर्कुलेशन किसमें मिलता है, एक तो रेप्टाइल आपको ध्यान है बच्चों क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन्हीं में तो होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इनमें हार्ट में चैम्बर भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, इसलिए डबल सर्कुलेशन मिलता है। तो देख लो, लिजार्ड रेप्टाइल है नहीं मिलेगा, वेल मैमल्स है मिलेगा, शार्क मछली है, फ्रोग एम्फीबिया है, तो फ्रोग में 3 चैम्बर होता है, शार्क में 2 चैम्बर, लिजार्ड में 3.5, तो एग्जैक्ट आंसर अपना सेकेंड वेल, जो मैमल्स है वहां 4 चैम्बर हार्ट और डबल सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक, इसको एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्ट कर लो, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस, तो वहां तो सीड से एम्ब्रियो, सीड से फ्रूट बने, वो विदाउट सीड, बिना सीड के बच्चों फ्रूट बने तो पार्थेनोकार्पिक। उसका एग्जांपल बनाना केला, आपको पता है इसमें सीड क्या रहते हैं, एब्सेंट। तो पार्थेनोजेनेसिस में अपन बताते ना सीधा ओवम, एग से सीधा एम्ब्रियो फीटस बना विदाउट स्पर्म, पार्थेनोजेनेसिस, बिना सीड के यहां फ्रूट बन रहा है, पार्थेनोकार्पिक। क्लियर, सीधा क्वेश्चन ही है। चलो क्वेश्चन 23, फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन बच्चों मिल जाएगा एनसीईआरटी में। प्लियोट्रोपिक जीन, देखो प्लियोट्रोपिक जीन और पॉलीजेनिक पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है, अपन बोलते ना बच्चों एक जीन, वन जीन कंट्रोल रेगुलेट करता है वन कैरेक्टर को, एक जीन सामान्यतः एक लक्षण को कंट्रोल करता है, जब एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे और मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तो इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, भाई एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो तो नॉर्मल कंडीशन है, दूसरा बच्चों हमने लिखा एक जीन जब कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जीन एक बट कैरेक्टर एक से ज्यादा, इस कंडीशन को प्लियोट्रोपी बोलते हैं, बहु प्रभाविता।
और कई जीन जब एक करेक्टर को कंट्रोल करे, देख लो बच्चों कई जीन, एक से ज्यादा जीन है तो नाम क्या दे दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब ही एक से ज्यादा, तो यहां क्या कर रहा है, ए प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक का मतलब ये रहा, प्लियोट्रोपिक में जीन तो एक होगी बट कैरेक्टर बच्चों एक से ज्यादा होंगे। स्किन कलर, आपकी स्किन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक की प्लियोट्रोपिक। पॉलीजेनिक स्किन कलर, पॉलीजेनिक है बच्चों, उसमें तीन अलग अलग जीन आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। प्लियोट्रोपिक में तो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल केटोन यूरिया वो आते हैं जहां जीन एक है बट कैरेक्टर एक से ज्यादा। चलो देखो, प्लियोट्रोपिक जीन इज ए जीन इवोल्व ड्यूरिंग प्लियोसीन। प्लियोसीन एपक इवोल्यूशन में आता है, तो प्लियोसीन आपके वहां आते हैं ना, एरा पीरियड एपोक प्लियोसीन, तो प्लियोसीन से कोई कनेक्टेड नहीं है, इवोल्यूशन से कनेक्ट हो गया है। तो कंट्रोल ए ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, दूसरी जीन के साथ कंट्रोल, जीन तो एक ही है। कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एक से ज्यादा लक्षणों को कंट्रोल करेगी तभी इसको क्या बोला, प्लियोट्रोपी। इज एक्सप्रेड ओनली प्रिमिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जीन जब कई कैरेक्टर ट्रेट को कंट्रोल करे तब बच्चों प्लियोट्रोपी, और कई जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? चलो देर किस बात की डॉक्टर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24th, which of the following क्या कह रहा है, which of the following is not a function of the skeletal system, कि निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, not storage of minerals। अब कंकाल स्केलेटन में आपके बोन्स आ गई, कार्टिलेज आ गई, ये तो होता है। बोन्स के क्या क्या काम है, तो बोन्स का डायग्राम बच्चों कंकाल में देख लो, टिश्यू में देख लो, बोन्स क्या क्या करती है बोलो। पहले तो इसपे वो कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स आयन डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट मैग्नीशियम ये सब बोन्स में मैट्रिक्स में होते ही हैं बच्चों, है पहला तो मिनरल्स को डिपॉजिट करेगा। लोकोमोशन, लोकोमोशन मूवमेंट में बोन्स का रोल है ही है, बिना बोन्स के कहाँ लोकोमोशन पॉसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट आरबीसी, बिल्कुल बोन में बच्चों किनारे पे भरा रहता है रेड बोन मैरो, वहीं अपनी क्या बनता है आरबीसी वगैरह ब्लड बनता है, बनता है। और बोन के बीच में वो होता है येलो बोन मैरो जहां फैट स्टोर होती है, ध्यान है ना आपको, येलो बोन मैरो में तो फैट स्टोर होती है और रेड बोन मैरो में ब्लड बनता है, तो आरबीसी बनती है। लोकोमोशन प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, हीट का प्रोडक्शन बोन से कनेक्टेड नहीं है, स्केलेटन से कनेक्टेड नहीं है, तो मिनरल्स को डिपॉजिट करता है, लोकोमोशन में रोल है और आरबीसी ब्लड बनाता है, ये तो हो गया। सेकंड कनेक्टेड नहीं है तो आंसर इसका सेकंड गया। 25th पे आए, टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। जोलेस फिश, ऐसी फिश जिसमें जबड़े नहीं होते, जोलेस आती बच्चों दिमाग में आया एग्नेथा, ए का मीन एब्सेंट, गनेथा जबड़े, बिना जबड़े की फिश है, विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। वो दे रखा आपके एनसीईआरटी में इसकी लाइफ स्पान की, मैराइन से फिर वो फ्रेश वाटर में जाएगी, अंडे देगी, अंडे से एमोसीट लार्वा, और एमोसीट लार्वा आती है बच्चों, एमोसीट लार्वा किसका, पेट्रोमाइजोन, और इसी का दूसरा नाम लैम्प्रे। ये लार्वा ध्यान रख लेना भाई, लार्वा का मैंने आपको बता रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लार्वाज होते हैं कोर्डेट में, तो चार ही लार्वा बच्चों, एक तो अपना वो हडमानिया, हडमानिया नॉट, वैसे तो हडमानिया है बेचारा, प्यार से अपन हडमानिया बोल सकते हैं। इसका लार्वा होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये पेट्रोमाइजोन बोर्ड पे लिखा हुआ, इसका लार्वा बच्चों एमोसिट लार्वा, फ्रोग मेंढक का आपको पता ही है टेडपोल लार्वा, और एक एम्फीबी आता है सैलामेंडर, उसका एक्सोलोटल लार्वा। तो कोर्डेट के चार ही लार्वा है, चारों इंपॉर्टेंट है, हडमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा, पेट्रोमाइजोन का एमोसिट लार्वा, फ्रोग का टेडपोल लार्वा, और सैलामेंडर भी एक एम्फीबी है जिसका एक्सोलोटल लार्वा। तो एमोसिट दे रखा है तो आंसर आ गया पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। देखो पहला मिक्सिन, मिक्सिन भी यही अग्नेथा है, इसी क्लास का है, साइक्लोस्टोमेट, बट मिक्सिन में बच्चों ये लार्वा स्टेज नहीं होती, इसलिए पेट्रोमाइजोन आया थर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन 26 पे आओ, एंडोक्राइन हार्मोन का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबोलिज्म, कौन सा हार्मोन शर्करा के उपापचय से संबंधित नहीं है, शुगर ग्लूकोज,
एल्डोस्टेरोन, याद करो एल्डोस्टेरोन का तो काम ही आयंस और वाटर के एब्जॉर्प्शन से है, वही एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, ठीक है। तो आंसर पहले ही जा रहा है बच्चों, ये आयन से कनेक्टेड है, शुगर से कनेक्टेड नहीं है। इंसुलिन तो होता ही है जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागोन और कोर्टिसोल है वो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। तो बाकी शुगर से कनेक्टेड है, एल्डोस्टेरोन आयन के एब्जॉर्प्शन से कनेक्टेड है, इसलिए आंसर इसका गया फर्स्ट। चलो 27 गोल्डन राइस से पूछा हुआ विटामिन ए, थर्ड आंसर आ गया विटामिन ए रेटिनोल। तो जो गोल्डन राइस होते हैं बायोटेक वाले, इसकी बच्चों जीन भी पूछी, इरविनिया बैक्टीरिया वाली डेफोडिल प्लांट वाली जीन डालते हैं ना इसमें, ये भी उड़ीसा नीट 2019 में आया हुआ है, सोल्व कर लिया था अपन ने। तो बीटा कैरोटीन की जीन को इन राइस में इंसर्ट करते हैं और वही फिर विटामिन ए बना देती है। थर्ड, आई साइट के लिए बच्चों एसेंशियल होता है विटामिन ए। 28 एनिमल ब्रीडिंग वाला, हर साल एक क्वेश्चन दे रहा आपको 9 चैप्टर स्ट्रेटेजी वाला, और उसमें भी एनिमल ब्रीडिंग से ही क्वेश्चन आ रहा, चाहे वो इन ब्रीडिंग का हो चाहे आउट ब्रीडिंग का हो, मिल जाता है बिल्कुल एनसीईआरटी से, बताता हूं मैं आपको। आउट ब्रीडिंग पूछ लिया यहां, आउटब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, आउटब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनिमल पशुपालन के लिए। क्यों? इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम बच्चों। प्योर लाइन और होमोजाइगोसिटी तो किससे आती है? इन ब्रीडिंग से आती है, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन से आएगी वो। तो यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल अंतः प्रजनन अवसाधन, एक लाइन आती है ना कॉन्टिन्यूस इन ब्रीडिंग से, क्लोज रिलेटिव इन ब्रीडिंग से बच्चों धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती है, दैट्स कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन अवसाधन। उसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है? आउट ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग में भी आउट क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो आंसर इसका सेकेंड। चलो अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन 29, फिर जेनेटिक्स का, कोडोमिनेंस से कनेक्टेड बच्चों क्वेश्चन है। जीन शोविंग कोडोमिनेंस इज सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन, क्या होता है कोडोमिनेंस? भाई F1 में कैपिटल डी स्मॉल डी आया, सारे प्लांट टोल हुए, तो केवल डोमिनेंट जीन या एलील खुद को एक्सप्रेस करता है, तब तो बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता कहलाती है। यहां हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप का, एक IAIB, तो IAIB में ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB, या मैं लिखूं IAIO तो ये ब्लड ग्रुप तो होगा A, तो IAIO, क्योंकि A जो है वो O पर प्रभावी है इसलिए केवल एक आएगा, तो डोमिनेंस है। जब दोनों बच्चों डोमिनेंट हो, दोनों प्रभावी हो और दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हो, देन वी कॉल्ड कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। और मिराबिलिस वाला एग्जाम्पल, फ्लोवर में रेड और व्हाइट कलर के हैं और F1 में पिंक आया, न रेड आया न व्हाइट आया, दोनों के बीच का आया पिंक, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। तो को का मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर साथ साथ, सह प्रभाविता का मतलब साथ साथ। AB ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये तो लिंकेज हुआ। एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट, विषम युग्मनजी में दोनों एलील स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस होते हैं, तो AB एक्सप्रेस होगा, BB होगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? AB, और दोनों अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। क्लियर? ये कोडोमिनेंस और इनकंप्लीट से भी बने हुए हैं, AB ब्लड ग्रुप इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। आओ लो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, एंडोक्राइन का क्वेश्चन बच्चों, थ्रू सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, एक ऐसा हार्मोन जिसका संश्लेषण तो कहीं और होता है लेकिन जिसे स्टोर और रिलीज्ड मास्टर ग्लैंड करती है, मास्टर बोले तो पिट्यूटरी। अब आपको पता है पिट्यूटरी बच्चों कनेक्ट होती है किससे? हाइपोथैलेमस से, रियल मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी में एंटीरियर लोब है, ये पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब है, और पोस्टीरियर लोब तक हाइपोथैलेमस से वो न्यूरोन के थ्रू दो हार्मोन आपको पता है बच्चों आते हैं, एक तो आता है ऑक्सीटोसिन, एक आता है ADH वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हाइपोथैलेमस में। वहाँ से कहाँ आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसके थ्रू आते हैं? वाया न्यूरोन्स। तो बनते यहाँ है बट स्टोर और रिलीज फिर उनको पिट्यूटरी करती है। तो देख लो ऑप्शन में LH प्रोलैक्टिन नहीं, MSS
प्लस नहीं, चौथा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फोर्थ हो गया, एक ऑक्सीटोसिन भी होता है, ADH वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है DCT नेफ्रॉन से। क्लियर? चलो आगे, क्वेश्चन 31। इवोल्यूशन आपके सामने आया, फिर NCERT का ही क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जांपल ऑफ औद्योगिक कृष्णता, याद आया वो एक मौत का बच्चों डायग्राम देखे आपकी NCERT में बता रखा है, इंग्लैंड में बता रखा है कि जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण नहीं हुआ था तो पोल्यूशन कम था, उस टाइम जो मौत थे बच्चों बिस्टन बिटुलेरिया बिस्टन कार्बोनेरिया, एक तो वाइट विंग मौत थे एक थोड़े डार्क थे, तो जब पोल्यूशन कम था डार्कनेस कम थी तब बच्चों जो वाइट विंग थे ना वो इजीली विजिबल थे, गहरा कम था तो सफ़ेद आराम से दिखता था, तो जो ये बर्ड्स थे वो वाइट विंग मौत पर अटैक करते थे, तो धीरे धीरे इनकी नंबर कम हो गई और गहरे जो थे वो डार्क वाले, पोल्यूशन नहीं था। सोचो जब पोल्यूशन नहीं था स्टार्टिंग में, जब पोल्यूशन नहीं था तो वाइट विंग जो बच्चों थे लाइकेन, हाँ सारी चीज़ें याद कर लो, जब पोल्यूशन नहीं था तो बताते हैं वहाँ लाइकेन थी वाइटिस कलर की, अब लाइकेन में ये वाइट विंग वाले मौत तो इजीली बचे रह गए दिखे नहीं, डार्क वाले दिखते थे तो उनको उन पर उनका शिकार होता और उनकी नंबर कम होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उद्योग धंधे बने कारखाने बने तो पोल्यूशन होने से, पोल्यूशन होते ही बच्चों लाइकेन आपको पता है पोल्यूशन का इंडिकेटर है वो वहाँ से हट गई, एनवायरमेंट थोड़ा सा डार्किश हो गया तो डार्क वाले अब खुद को बचा पाए छुपा पाए, जबकि अटैक किस पर होने लग गया वाइट पे, तो जिसने खुद को अडेप्ट कर लिया वो सर्वाइव कर गया बच गया, और यही डार्विन ने बताया था किसमें, नेचुरल सिलेक्शन में, कि नेचर हमेशा सिलेक्ट करती है फिटेस्ट को, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो मौत पर एक्सपेरिमेंट था इंग्लैंड से आया था। क्लियर? ये डायग्राम देख के भी वहां समझा रखा है बच्चों। 32, ये लो डाइजेस्टिव में आपको बताता हूँ मैं, डाइजेस्टिव में या तो डाइजेस्टिव जूस से क्वेश्चन आता है एंजाइम से, या बच्चों टिथ से आता है, ये टिथ से आपके सामने है। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, प्राइमरी डेंटिशन 2102, परमानेंट 2123, ध्यान ही आपको ये कौन से वाले टीथ है बच्चों, प्री मोलर नहीं होते, जो मिल्की दूधिया दांत है वो 20 होते हैं उनमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, सीधा ही है, फर्स्ट कर लेना। 33, कॉकरोच का क्वेश्चन आया, इससे भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, हेलो द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, अब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते ना वो कॉकरोच में बच्चों यूरिक एसिड, इंसेक्ट होता ना उसमें यूरिक एसिड होते हैं, और बता रखे मैंने चार एग्जांपल, याद रखते हो आप यूरिक एसिड वाले, रिब्स से याद रख लो, आर से कौन, रेप्टाइल्स, आई से इंसेक्ट, बी से बर्ड्स, और एक लैंड स्नेल मोलस्का, ये चार जो है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, यूरिको टैलिक, तो ये कह रहा है यूरिक एसिड देखो बन किससे रहा है कॉकरोच में, तो बच्चों कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, वो मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे होती है, अब इसमें पोटेशियम यूरेट वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें मैल्पीजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करेगी, फिर वही मैल्पीजियन ट्यूब्यूल उस पोटेशियम यूरेट वगैरह को कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में, जिसे फिर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा, तो जो पोटेशियम यूरेट होते हैं वही पोटेशियम यूरेट को फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिक एसिड, और ये कन्वर्जन करती कौन है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, जो इंसेक्ट का मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर? ये यूरेट यूरिक एसिड, ऐसे याद रख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऑल बायो बायोमोलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर नाम आते ही किस में आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, येलो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ यहां फॉस्फेट और एक ऊपर वाले से ये होता है, ये फिफ्थ ये फॉस्फेट ऊपर वाले का थर्ड, ऐसे समझ लो, तो ऊपर वाली शुगर का बच्चों थर्ड कार्बन और नीचे वाली शुगर का फिफ्थ कार्बन, ये जो बॉन्ड है यही तो होता है फॉस्फो, एक उस तरफ हो जाएंगे ना दोनों तरफ, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये लो इधर ऐसे आ गया।
दैट्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉडी, इसलिए एक की तो पोलरिटी 5-2-3, एक की 3-2-5। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर है तो मोनोसेक्राइड में नहीं होगा, ग्लाइकोसिडिक होता है, एमिनो एसिड में पेप्टाइड है, ये रहा न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड, हालांकि ऐसा है न्यूक्लियोटाइड इन ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और फैट में तो बच्चों वो एस्टर बॉन्डर वो आते हैं, तो थर्ड आ गया, चलो सीधा ही है। क्वेश्चन 35 पर आते हैं, हेलो जेनेटिक्स से रिलेटेड, क्या कहता हूँ मैं आपको, जेनेटिक्स और मोलबायो से हर बार एक साइंटिस्ट का नेम पूछा जा रहा है, और इसका भी लेक्चर अपन ने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम से एक लेक्चर बना रखा है, देख लेना अच्छे से। लिंकेज स्ट्रम देने वाले वही जिन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी है बच्चों, TH मॉर्गन। और 19 में इनका जो चेला स्टूडेंट था उसका क्वेश्चन आ गया था, स्टूडेंट कौन, स्ट्रटवेंट, जिसने जीन मैप के बारे में बताया था, क्लियर। सटन बोवेरी तो वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वाले वो है, मेंडल आपको पता ही है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। 36 एम्ब्रियोलॉजी, फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिल जाएगी लाइन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चों आर रेफर टू एज एक्टोपिक अस्थानिक सगर्भता। देखो मैं तीन वर्ड बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों, एक प्रेगनेंसी गर्भावस्था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और शूडो प्रेगनेंसी। अब सीधी सी बात है कि प्रेगनेंसी गर्भावस्था का मीन होता है फीटस एम्ब्रियो कहां डेवलप हो रहा है, यूट्रस में। अगर वो यूट्रस में डेवलप हो रहा है बच्चों तब तो वो है नॉर्मल प्रेगनेंसी, अदर देन यूट्रस, गर्भाशय के अलावा अगर कहीं और फिटस डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक, अदर देन यूट्रस। और नॉर्मली वो अदर देन यूट्रस में मान लो फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा है, यूट्रस के अलावा कहीं और, तो आप एक्टोपिक बोल दोगे, और कहीं और हो रहा है तो अपने को पता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में इतनी जगह ही नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके, सर्वाइव तो तभी करेगा ना जब उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में। तो अदर देन यूट्रस एक्टोपिक। शूडो का मतलब होता है फॉल्स प्रेगनेंसी, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फिटस है ही नहीं, बट फिर भी प्रेगनेंसी वाले सिम्टम आ जाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना, हालांकि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, हार्मोनल असंतुलन से होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी डेवलप इन यूटेरस, एक्टोपिक का मतलब अदर देन यूटेरस, और शूडोगामीन बच्चों हार्मोनल इम्बैलेंस से प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम अपीयर होना, जबकि वहां कोई एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो एक्टोपिक में इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटरस, यूटरस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो रहा है उसको एक्टोपिक बोल देंगे। ये प्रेगनेंसी में मदर अगर स्मोकिंग एल्कोहल वगैरह यूज करती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ये प्रोटोजोआ, हेल्थ डिजीज से कनेक्ट कर लो, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल, इन्फ्लुएंजा फ्लू बोलते हैं, बेबेसियोसिस ये एक प्रोटोजोआ है, बेबेसिया स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर है बच्चों। प्रोटोजोआ में चार क्लास पढ़ते हो आप, अमीबोइड क्लास, सीलिएटा, फ्लेजिलेटा, स्पोरोजोआ, वही स्पोरोजोआ जिसमें प्लाज्मोडियम भी आता है मलेरिया वाला, उसी का मेंबर है बेबेसिया। ब्लास्टोमाइकोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और सिफिलिस एक बैक्टीरियल है, ट्रिपेनोनोमा पैलिडिम। तो इन्फ्लुएंजा वायरल है, ब्लास्टोमाइकोसिस फंगल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, और जो बेबेसियोसिस है वो एक प्रोटोजोआ से होती है, स्पोरोजोआ। बेबेशिया बच्चों ये कैटल्स में भी इन्फेक्शन करता है, वहां उसको रेड वाटर फीवर बोलते हैं, पशुओं में रेड वाटर फीवर RBC को डैमेज करता है, और इसका जो वेक्टर है वो टिक्स, टिक माइट्स होती ना, चिंचड़ियां बोलते हैं अपन, चिंचड़ियां आर्थ्रोपोडा है बट नॉट इंसेक्ट, ये बच्चों गायों में अडरथन के पास चिपकी रहती है, पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, टिक्स वगैरह, ये इसका वेक्टर है। रेड वाटर फीवर ह्यूमन में भी इन्फेक्शन करता है, कैटल्स में इनको बोलते हैं रेड वाटर फीवर, बेबेसियोसिस, RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्लियर। ये प्रोटोजोआ है जो स्पोरोजोआ क्लास में इंक्लूड होता है। 38 मोलबायो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर चलो जेनेटिक मटेरियल में। चलो देखे जीनोम, जीनोम होता क्या है भाई, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन, एन को जीनोम बोल सकते हो,
एंड का मतलब 23 क्रोमोसोम, हैप्लोइड सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वही तो जीनोम है, ध्यान है ना। तो एन को जीनोम भी बोलते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं, हैप्लोइड भी बोलते हैं, स्मॉल एन वही जीनोम होता है बच्चों। तो जीनोम बड़ा है, फिर उसमें क्रोमोसोम आ गए, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर जीन, सही है क्या? जीन एक न्यूक्लियोटाइड से भी हो सकता है, ज्यादा से भी हो सकता है। तो जीनोम, क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड। सेकंड बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड से जीन फॉर्म होती है, और जीन कई न्यूक्लियोटाइड से भी हो सकती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक आता ना हमारा आने वाला। फिर आ गया कौन? क्रोमोसोम, और फिर क्रोमोसोम सारे जीनोम। ये लो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और वहां पूछा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देख लो जीनोम सबसे बड़ा, फिर क्रोमोसोम, देन जीन, और फाइनली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, चले आगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड में भी म्यूटेशन चेंजेज आ सकता है बच्चों। एक कलर ब्लाइंड मैन, ये लो जेनेटिक्स का क्वेश्चन, कलर ब्लाइंड। हालांकि ये थोड़ा सा सस्पिशियस डाउटफुल क्वेश्चन था बच्चों, नीट ने क्या आंसर दिया था वो भी बताएंगे अपन, और एक्चुअल में क्या रहा वो भी डिस्कस कर लें अपन। एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन विद नॉर्मल साइट, तो मैन दे दिया कलर ब्लाइंड, तो ये लो XCY आ गया। और ऐसी वुमन विद नो नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, उसके परिवार में कोई कलर ब्लाइंड नहीं है, तो वो फीमेल नॉर्मल है, XX। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो इनके ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब बच्चों पोतों के वर्णान होने की क्या संभावना है। बस इस पोता वाला जो वर्ड है ना ग्रैंडसन, यही कंफ्यूज कर दिया, यही गड़बड़ कर दिया। बाकी देखो सीधा सा कैसे आंसर आएगा वो पहले अपन समझते हैं, इसका सही तरीका। गैमेट आप बना लोगे XCY, इसमें एक ही बना लो एक्स, ये वाला क्रॉस बच्चों ये लो, इस वाले क्रॉस से ये, तो ये तो जनरेशन आई F1, पहली पीढ़ी, बेटे और बेटी आए, बेटा बेटी आए, पोता पोती थोड़ी आए हैं, फर्स्ट जनरेशन आई है। तो इसमें बच्चों जो डॉटर होगी वो सारी कैरियर होगी, सन छोरे जो होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे F1 में। अब पोते लाने के लिए कौन सी जनरेशन लाओ? F2। तो बच्चों यहाँ ग्रैंड सन दे रखा है, ग्रैंड सन का मतलब सीधा सा पोतों से होता है, न कि दोहिते, दोहिते पोते अलग होते ना, पोते बेटे का बेटा वो तो पोता है, और बेटी का बेटा दोहिता है, पता है ना ये नाना जी दादा जी में डिफरेंस ध्यान है ना अपन। हाँ, तो देखो ग्रैंडसन का मतलब पोतों की बात कर रहा है। अब पोते लाने के लिए फर्स्ट जनरेशन में बेटी लेंगे कि बेटा? पोते तो बेटे ही होंगे, तो बेटा लो, ये रहा। तो ये है XY नॉर्मल। अब पोता लाने के लिए, ग्रैंडसन लाने के लिए बेटे की बहू लाओ, और बच्चों जब बहू लानी है तो अपन तो कैसी लाएंगे? देखभाल कर ही लाएंगे ना, नॉर्मली लाएंगे। तो ये बहू जब लाई गई और इस क्रॉस से आया, तो ये ग्रैंडसन आया F2 में, और ये ग्रैंडसन कैसा आया? नॉर्मल आया। तो कोई भी ग्रैंडसन यहां अफेक्टेड या कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ये तरीका है इसका। तो अपने अकॉर्डिंग और सही तो आंसर आना चाहिए इसका, नील शून्य। लेकिन AIPMT में आंसर क्या दिया था वो देखो, आंसर कैसे दिया था उन्होंने, जो पोता है ग्रैंडसन है वो दोहिते के रेफरेंस में आंसर दे दिया। अब दोहिते के रेफरेंस का मतलब इसको लिया अगली जनरेशन के लिए, बेटी को लिया, और जब इस बेटी को लिया तो इसका ये था, इसका क्रॉस करवाया नॉर्मल छोरे से अगली जनरेशन, तो ये कंडीशन भी आ गई ना XCY और XY। तो यहां जो इन्होंने पोते बता दिए, तो देखो 50% कलर ब्लाइंड और 50 कैसा आएगा? नॉर्मल। लेकिन बच्चों वो पोता नहीं, वो दोहिता होता है, और दोहिते के लिए एक्चुअल जो इंग्लिश में वर्ड आता है वो मैटरनल ग्रैंडसन बोलते हैं उसको, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल मतलब माँ, उससे रिलेटेड, तो दोहिता होगा। केवल ग्रैंडसन वर्ड आए ना तो जनरली वो पोते के रेफरेंस में यूज करते हैं, तब तो आंसर नील आएगा। बट AIPMT ने इसका आंसर 8.5 इस बेस पर ही दिया था कि उन्होंने इस बेटी को लेकर आगे F2 जनरेशन तैयार करवाई थी। क्लियर, बाकी ऐसा क्वेश्चन आए ना सेकंड जनरेशन, तो अपने को इस टाइप से उसको सोल्व करना है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन 40 पर आए, बायोटेक का क्वेश्चन। द इंट्रोडक्शन ऑफ tDNA इनटू प्लांट इन्वॉल्व tDNA ट्रांसफर DNA, तो एनिमल के रेफरेंस में तो वेक्टर यूज करते हैं बच्चों रेट्रोवायरस को, और प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर आया था? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसका tDNA अपन यूज करते हैं, नेचुरल इंजीनियर जिसको बोलते हैं। तो देख लो कहां है एग्रो बैक्टीरियम,
ये रहा इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया का, क्लियर। और एनिमल के लिए बच्चों अपन रेट्रो वायरस, पहले उनको डिसआर्म्ड किया जाता है, अहानिकारक बनाया जाता है। चलो 41 इवोल्यूशन, कहता रहता हूँ आपको इवोल्यूशन में हार्डी विनबर्ग पढ़ लो रे, होमोलोगस एनालोगस पढ़ लो, नेचुरल सिलेक्शन वाले कर्व पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन ये लो, होमोलोगस एनालोगस आ रहा है। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, सीधा ही हो गया, बर्ड और इंसेक्ट के विंग, एक कोर्डेट है दूसरा नॉन कोर्डेट है, तो बात भेजे में घुसा लो बच्चों, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट कभी भी सिमिलर ओरिजिन नहीं होंगे, कभी भी होमोलोगस नहीं होंगे, वो एनालोगस ही होते हैं क्योंकि ओरिजिन उनका सेम नहीं होता, फंक्शन सेम होता है। तो पक्षी के पंख और इंसेक्ट के, कीट के पंख, दोनों का फंक्शन एक ही है, फ्लाइंग, उड़ने में हेल्पफुल है, बट ओरिजिन अलग अलग है। इंसेक्ट के पंख तो काइटिन के बनते हैं, आर्थ्रोपोडा, और विंग्स बर्ड के जो पंख है बच्चों वो फोर लिंब, हाथों का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो देख लो, एनालोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस अभी सारी कन्वर्जेंट और होमोलोगस डाइवर्जेंट, हो गया सीधा इसका आंसर आ गया फर्स्ट। क्वेश्चन 42 एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, देखो यूरिन की पीएच होती है बच्चों 6.0, ब्लड की पीएच होती है 7.4, यूरिन की पीएच 6.0, एसिडिक क्यों होता है, एसिडिक का रीजन वही है, कैटायन होंगे कि एनायन होंगे, कैटायन होंगे। तो बच्चों जब ये पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, तो एक वर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जब यूरिन बनता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सिक्रीशन के टाइम पीसीटी और डीसीटी में बच्चों H+ आयन को सिक्रीट किया जाता है, और वो H+ आयन फिर यूरिन के साथ बाहर जाते हैं, तो H+ की वजह से, कैटायन की वजह से यूरिन की पीएच कैसी होती है, एसिडिक। तो देख लो ऑप्शन, पोटेशियम और सोडियम एक्सचेंज नहीं, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रीटेड इन द फिल्ट्रेट, तो हाइड्रोजन आयन को यूरिन के साथ एक्सक्रीट किया जाएगा एक्टिवली, हमेशा जो कैटायन होते हैं ना वो एक्टिवली ही होते हैं, एक्टिवली का मतलब जहां एटीपी एनर्जी खर्च होगी, क्लियर। चलो प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लास्ट सीधा सही है, प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं होता, विदाउट सेल वॉल, बस क्या सोचना है इसमें, देख लो कहां है, बिना सेल वॉल के जो है वो प्रोटोप्लास्ट, उसी को अपन बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट, विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति रहित जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव करो, क्या कर रहा है, तो इसमें ढूंढो गलत स्टेटमेंट। पहला, स्टेनले शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये तो सही लग रहा है, स्टेनले तो बताया था कि जो विषाणु है वो क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, स्टेनले एक्सपेरिमेंट से। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वाज कॉइंड बाय बेजारिंग, इन्हें नहीं दिया था वायरस के रेफरेंस में, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, फ्लूड से कॉन्टेजियस का मतलब इन्फेक्शन चलता है। मोजेक डिजीज इन टोबेको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग आर कॉज्ड बाई वायरस, बिल्कुल इसमें तो टोबेको मोजेक वायरस आ गया और एड्स के लिए बच्चों HIV आ गया, दोनों ही वायरस है। द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की, ये बच्चों गलत हो गया, इवानोवस्की ने तो डिस्कवर किसको किया था, वायरस को, और जो वायरोइड्स है उसके लिए कौन से साइंटिस्ट थे, थियोडोर ओटो डेनर, इन्होंने वायरोइड्स को डिस्कवर किया था, वही वायरोइड्स जिसमें प्रोटीन कोटिंग नहीं होता, केवल जेनेटिक मटेरियल ही होता है, क्लियर। तो देखो वायरोइड्स और एक प्रियोन से क्वेश्चन भी बन रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था जबकि इसे थियोडोर ओटो डेनर ने डिस्कवर किया था वायरोइड्स को, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया फोर्थ। अरे वही था ना पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर में ही थियोडोर ओटो डेनर ने वायरोइड्स के बारे में बताया था, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, आपका इगरली वेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्वेश्चन, जिससे हर बार दो के लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे दिखेंगे। सीधा क्वेश्चन है, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, गिफ्ट की फुल फॉर्म ही पूछ ली, पता ही है ये तो भगवान के लिए, यहां तो मिस्टेक गड़बड़ नहीं है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देख लो यहां भी कंफ्यूजिंग है, किसी में अगर फर्स्ट ऑप्शन आ गया तो बिना देखे कर सकते हो आप, इसलिए देखा करो चारों ऑप्शन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो आंसर आ गया फर्स्ट। चलें आगे,
क्वेश्चन 46 नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन बच्चों, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ, देखो एंटीरियर हॉर्न सेल स्पाइनल कॉर्ड एक डिजीज होती है पोलियोमाइलेटिस, पोलियो होता है ना बच्चों वायरल, वायरस से एक डिजीज होती है पोलियोमाइलेटिस, उसमें मसल्स नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। उस पोलियो डिजीज में क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड की, देखो स्पाइनल कॉर्ड का जब टीएस अपन देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये डायग्राम याद आ रहा है ऐसा आ रहा ही होगा, ये इसमें अंदर तो बच्चों यहां ग्रे मैटर होता है, बाहर होता है इसमें व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में, इंटीरियर और पोस्टीरियर इसको तो बोल देंगे डोर्सल और पोस्टीरियर, ये बच्चों वेंट्रल और एंटीरियर साइड होती है, वेंट्रल और एंटीरियर। अब देखो इसी डायग्राम में इधर से तो बच्चों जो ये तो सेंसरी न्यूरॉन जो आवेग इंपल्स लेकर आएगी और जो वापस जाएगी वो कौन सी न्यूरॉन होती है मोटर न्यूरॉन, तो इसके एंटीरियर या वेंट्रल साइड में तो है मोटर न्यूरॉन और डोर्सल और पोस्टीरियर साइड से कौन से आ रहे हैं सेंसरी। तो आपसे क्या पूछा है कि एंटीरियर अगर हॉर्न सेल्स डैमेज हो जाए, पोलियो में ऐसा ही होता है, तो अगर एंटीरियर साइड की ये हॉर्न सेल होती है, हॉर्न बोलते हैं इनको एंटीरियर हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न, तो इनके डैमेज होने से कौन सी न्यूरोन पर इफेक्ट पड़ेगा मोटर न्यूरोन पे। तो इसका आंसर देख लो फर्स्ट ये आ गया वॉलंटरी मोटर इंपल्सेस फर्स्ट, और अगर आपसे ये डोर्सल की बात करता तब कौन सी अफेक्टेड होती सेंसरी। क्लियर, तो पोलियो डिजीज में ऐसे ही सिम्टम आते हैं। 47 पे बात करें अपन, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियुलर सरफेस आर इन्वॉल्व इन गैस सेक्शन इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड डैमेज ऑफ एल्वियुलर वॉल, ये भी कहता हूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बच्चों जितने भी डिसऑर्डर डिजीज है उन सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं, और ये सीधा सही है कि अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं एम्फाइसेमा वात स्फीति, और इसके ट्रीटमेंट के लिए वो एक बायोटेक में क्या आता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, वही बच्चों। नेक्स्ट, बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ सेल बायो से कनेक्ट कर लो, बाल्बियानी रिंग बोल्बियानी साइंटिस्ट थे ना बच्चों, कौन से क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम किसमें इन सलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला और की सलाइवरी लार ग्रंथियों में मिलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, और उन्हीं को डिस्कवर किया था बाल्बियानी ने, जहां एक्स्ट्रा डीएनए वगैरह स्टोर होता है और इसी डीएनए से आगे रिक्वायरमेंट के टाइम बनाया जाएगा आरएनए, और वही आरएनए बच्चों क्या बना देगा प्रोटीन। तो बाल्बियानी रिंग का रिलेट किससे कनेक्टेड है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस से। क्लियर, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाई बाल्बियानी, और ये किसमें सलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। लो मेज द कोलम का अगला क्वेश्चन, थाइलेकोइड क्रिस्टी इसमें फिजियो से कनेक्ट कर सकते हो, सेल बायो से भी कनेक्ट कर सकते हो ऑर्गेनल से। थाइलेकोइड कहाँ आते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना थाइलेकोइड बच्चों, ग्रेना, अब जो एक होता है तो ग्रेना और उसके प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं, प्लूरल को अपन ग्रेना बोल देते हैं, और वो जो अरेंज होते हैं कि ऊपर वो थाइलेकोइड्स आ गए, तो थाइलेकोइड जो है वो तो किसमें फ्लेट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, अरे लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में चलती है, डार्क रिएक्शन कहां बताते हो स्ट्रोमा, तो थाइलेकोइड फ्लेट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा हो गए। क्रिस्टी वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है बच्चों, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं क्रिस्टी, तो क्रिस्टी कहां आ गए इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में सिस्टर्नी वेसाइकल्स ये लो, क्रोमेटीन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसी से फिर क्रोमोसोम आ गया, हो जाएगा मेज द कॉलम कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हेलो फिर से मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, अभी पूछा था आगे वो बिना मेम्ब्रेन वाला राइबोसोम, यहां भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ रहा तो ये भी अपन कर सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, जिसमें मेम्ब्रेन होती है उन ऑर्गेनल्स को सेलेक्ट करो, क्रोमोसोम ये राइबोसोम आ गया बच्चों, तो बिना मेम्ब्रेन के होता गलत है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर राइबोसोम आ गया, थर्ड लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया सही है, फोर्थ में फिर राइबोसोम आ गया, राइबोसोम तो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, इसलिए आंसर गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फोलाइकल इज ए सेलुलर, कौन सी लेयर इसमें से एकोशिकीय होती है ओवम एग की लेयर जो ए सेलुलर होती है। बच्चों देखो ये अगर अपन बात करें एग के स्ट्रक्चर में डबल लेयर की अपन बात करते हैं बच्चों,
जैसे आउटर जो है वो तो होती है कोरोना रेडिएटा, कोरोना नाम से ही कंप कंपी शिवरिंग सी होती है ना, ये वो कोरोना नहीं है भाई, ये कोरोना यहाँ कवरिंग है, कोरोना रेडिएटा। इनर जो लेयर है बच्चों उसको बोलते हैं जोना पैलुसिडा, याद है ना आपको लेयर। अब कौन किससे बनती है, तो कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में फोलिकुलर सेल्स से बनती है, ये तो फोलिकुलर सेल्स, ऐसे सेल्स होती है फोलिकुलर, वापस में चिपक के कोरोना रेडिएटा फॉर्म करती है, और इन सेल्स को चिपकाने के लिए बीच में एक एसिड होता है बच्चों, हाई एलुरोनिक एसिड। और जो जोना पैलुसिडा है दैट्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, इसमें कोई सेल नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ए सेलुलर। तो इनर जोना पैलुसिडा, आउटर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा में तो फोलिकुलर सेल्स होती है, जोना पैलुसिडा बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन है, इसलिए वो कैसी है, ए सेलुलर, एकोशिकीय है, क्लियर। इन्हीं को वो डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम से क्या आते हैं, एंजाइम आते हैं। 52 सैटेलाइट डीएनए मोल बायो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन ही है, सैटेलाइट डीएनए आ रहा है, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट वीएनटीआर वाला वही पूछा है। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पहला ही आ रहा है, उच्च श्रेणी की बहुरूपता पाई जाती है, फिंगरप्रिंटिंग में यही यूज हो रहा था, इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो ये ऐसी कैरेक्टर है, ऐसी जेनेटिक चेंजेस है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे। सैटेलाइट डीएनए इसमें मिनी माइक्रो दो आते हैं, मिनी सैटेलाइट को बच्चों वीएनटीआर वर्ड यूज कर रखा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, और ये पॉलीमॉर्फिज्म ही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसे अलग जेफरे ने बताया था। तो डिमांड है बच्चों की अपन एक फिंगरप्रिंटिंग वाले पॉइंट पर भी एक लेक्चर में आपको अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पॉलीमॉर्फिज्म के रेफरेंस में, सैटेलाइट डीएनए बहुरूपता के रेफरेंस में है। साल वॉल इज एब्सेंट इन, एक और सीधा क्वेश्चन आपके सामने, फिनेरिया माइकोप्लाज्मा नोस्टोक एस्परजिलस, रे माइकोप्लाज्मा पीपी हेलो, इनमें सेलवोल नहीं होती, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेलवोल होते हैं, क्लियर बच्चों। 54 ये लो, ये भी रिपीट सा क्वेश्चन हो रखा, आगे भी आपको मिला ना, 1819 में आया हुआ है। ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू, वही ट्रांसप्लांट ऑर्गन ग्राफ्ट ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसे पता चलता है कि ये ऑर्गन बॉडी का नहीं है, टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करती है, और टी सेल बच्चों किसका मीडियम है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। तो देख लो कहाँ है, पहला ही आ रहा है, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, तब टीबी को बोलकर क्या बनवाती है, एंटीबॉडी। 55 क्वेश्चन, 55th आपके आगे, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये लो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल, सेल का ग्रुप है, सेलुलर है बट टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल तो प्रोटोजोआ में आता है, सेलुलर लेवल पोरीफेरा में आता है, पहली बार सेल्स मल्टी सेलुलर पोरीफेरा टिश्यू सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हो जाता है, तो मेशवर्क ऑफ सेल से ले सकते हो, फ्लैजिलेटेड सेल से आंसर आ सकता है, आंसर तो इसका पोरीफेरा है बच्चों, पर वो जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है उनको बोलते हैं कोलर और कोएनोसाइट सेल्स, ये यूनिक फीचर है पोरीफेरा का, और ये जो लाइन है ना बिल्कुल एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी में जो आपका फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम वाला, उसकी समरी जब बच्चों आप पढ़ोगे वहां लिखा मिलेगा फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो चैप्टर में नहीं है समरी में दे रखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ समरी की भी रीडिंग लगाया करो, और वो फ्लैजिलेटेड सेल्स है कोलर और कोइनोसाइट, जो यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, वो मूव करके फिल्टरिंग ऑफ फूड गैदरिंग ऑफ फूड में भी हेल्पफुल होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 56 इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मियोसिस सेकंड पूरा कब होता है ये बताना बच्चों, मियोसिस सेकंड होगा कब, मियोसिस सेकंड तब होगा ना, हीरा फैलोपियन ट्यूब ओवरी, जब ओवुलेशन होता है तो ओवम तो नहीं बोलते उसको, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हो, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे आया, वहां
जैसे ही स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आया, आती सबसे पहले जो मियोसिस सेकंड अटका हुआ था मेटाफेज वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होते ही सेकेंडरी ओसाइट से बच्चों क्या बन जाएगा, ओवम, और बाहर क्या निकल जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी। तो स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आने के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट इनटू ओवम, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस। और वैसे तो एग्जैक्ट आंसर तो ये आता जब स्पर्म उसके कॉन्टेक्ट में आए, लेकिन स्पर्म कॉन्टेक्ट ऑप्शन में नहीं है तो बच्चों इसका आंसर क्या चला गया, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो जब तक स्पर्म कॉन्टेक्ट में नहीं आए वो सेकेंडरी ओसाइट ही रहता है, स्पर्म कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो ओवम में कन्वर्ट और क्या बाहर आती है, दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी, पोलोसाइट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट 57 लास्ट क्वेश्चन डाइजेस्टिव का, वही लो एंजाइम जूस से क्वेश्चन आ गया। डाइजेस्टिव जूस का क्या पूछ रहा है, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस इज नॉट, सक्कस एंटेरिकस कौन सा है, इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम, आंतरीय रस को ही बच्चों क्या बोल दो, सक्कस एंटेरिकस में कौन सा एंजाइम नहीं होता, पहला ही नहीं होता, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस जो है बच्चों, न्यूक्लियस में दो आते हैं, डीएनएज और आरएनएज, और डीएनएज आरएनएज जो न्यूक्लियस है वो दोनों के दोनों पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, ये मिलते हैं अग्नाशय रस में, ना कि इंटेस्टाइनल जूस में। तो न्यूक्लियस पैंक्रियाटिक जूस में होता है और बाकी न्यूक्लियोसाइडेज लाइपेज और माल्टेज आपको मिलते हैं सक्कस एंटेरिकस में। तो ये बच्चों आज अपना कौन सा AIPMT AIPMT 2015 का बायोलॉजी का बच्चों पेपर अपन ने सोल्व किया। ऐसे ही सिक्वेंस में अब मैं जो AIPMT 15 का फर्स्ट जो पेपर है फेज फर्स्ट का, अगले में वो अपन लेकर आएंगे। एक बच्चों अब NTA वाले पेपर भी, मैंने एक दो पेपर वो बता रहा था ना मैं एक दो लेक्चर पहले कि थोड़ी सी उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, पेपर के पहले स्क्रीनशॉट लो फिर उसको बच्चों एडिट करो, तो ठीक है उसमें भी अपन लगे हुए हैं, तो एक दो पेपर वो रेडी हो गए हैं, तो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए NTA के पेपर सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। और क्लासेज अपनी क्रैश कोर्स में प्रॉपर चली रही है, NTA के पेपर भी अपन अब स्टार्ट कर देंगे, जितने हो सके वो NTA के पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और साथ साथ जो आपसे प्रॉमिस कर रखा था 2010 से 19 तक के नीट वाले AIPMT वाले पेपर वो चली रहे हैं, इस सीक्वेंस में आज 15 का सोल्व हो गया था, नेक्स्ट में 15 फर्स्ट वाला मैं सोल्व करवा दूंगा। तो बच्चों वही अच्छे से आप देख सुन रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, इन पेपर एनालिसिस का बेनिफिट मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखा करो सोल्व किया करो, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको दिख रहे होंगे कि आगे पीछे वाले एग्जाम में दिख रहे हैं, और मैं जब कंसेप्ट बताता हूँ तो लग ही रहा ना कि सर ऐसा सा तो क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपने, तो जो ऐसी फीलिंग आती है ना कि ऐसा सा तो पहले भी करवाया था, मतलब सेम कंसेप्ट के एक जैसे क्वेश्चन आपको कई बार कई पुराने एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में मिल रहे हैं, मतलब मैच हो रहे हैं। यही बच्चों इन पेपर सॉल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट अपन लोगों को मिलेगा, और इन क्वेश्चन से एक बार से वो चैप्टर का मेन पॉइंट भी बच्चों अपना प्रॉपरली रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, एक NTA का पेपर भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक बच्चों यूं ही बने रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।